नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के शिक्षक विभाग में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत आप लोगों से कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, साक्षात्कार वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से सीधा भर्ती किया जाएगा। तो इन पदों के लिए कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, आप लोगों का किस प्रकार से चयन किया जाएगा, कब से कब तक आवेदन कर सकते हो, इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से मैं आप लोगों को इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी काम की आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग यहाँ पढ़ सकते हो, विज्ञापन जारी किया काल जिला शिक्षा अधिकारी सचिव संचालन प्रबंधन समिति उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मुंगेली छत्तीसगढ़ के द्वारा, जिसके अंतर्गत दोस्तों विभिन्न पदों पर भर्ती किया जाएगा जिला के 3 स्कूलों में। आप लोग इसी के नीचे स्कूलों का नाम देख सकते हो, कौन कौन से स्कूल में भर्ती किया जाएगा। स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल दाऊपारा मुंगेली में विभिन्न पद पर भर्ती किया जाएगा। महंत जगन्नाथ दास शासकीय इंग्लिश स्कूल लोरमी और स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल पथरिया में भर्ती किया जाएगा। जो भी इच्छुक आवेदक इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, ऑनलाइन गूगल लिंक के माध्यम से 10 अप्रैल 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को फाइनली ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना होगा। इसी के नीचे आप लोग यहाँ स्कूल का नाम देख सकते हो और वहाँ कितने पद पर भर्ती किया जाएगा उसका भी यहाँ पर डिटेल से जानकारी दिया गया है। स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल दाऊपारा मुंगेली में शिक्षक कला के एक पद पर भर्ती किया जाएगा। प्रतिमा वेतन दिया जाएगा 35,400 रुपये। शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए कि सीमांता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होना चाहिए। इसी के साथ बीएड प्रशिक्षित अनिवार्य होना चाहिए और शिक्षक पात्रता परीक्षा भी उत्तीर्ण होना चाहिए। सहायक शिक्षक कला हिंदी के एक पद पर भर्ती किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता आप लोग यहां देख सकते हो सेम है। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के एक पद पर भर्ती किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए जीव विज्ञान या गणित संकाय में भौतिक एवं रसायन विषय के साथ उत्तर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। सहायक ग्रेड 3 के एक पद पर भर्ती किया जाएगा। प्रतिमा वेतन दिया जाएगा 19,500 रुपये। शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए 12वीं पास, इसी के साथ 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स किया हुआ होना चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों, आप लोग यहां देख सकते हो, महंत जगन्नाथ दास शासकीय इंग्लिश स्कूल लोरमी में व्याख्याता वाणिज्य के एक पद पर भर्ती किया जाएगा। प्रतिमा वेतन दिया जाएगा 38,100 रुपये। शैक्षणिक योग्यता आप लोग यहाँ देख सकते हो, इसी के बगल में दिया गया है। शिक्षक कला अंग्रेजी के टोटल 2 पद पर भर्ती किया जाएगा। प्रतिमा वेतन दिया जाएगा 35,400 रुपये। इसी प्रकार शिक्षक विज्ञान हिंदी के एक पद पर भर्ती किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ग्रेजुएट की उपाधि होना चाहिए। इसी के साथ बीएड प्रशिक्षित अनिवार्य होना चाहिए। स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल पथरिया में व्याख्याता अंग्रेजी और व्याख्याता वाणिज्य के एक एक पद पर भर्ती किया जाएगा। प्रतिमा वेतन दिया जाएगा 38,100 रुपये। शैक्षणिक योग्यता आप लोग यहीं देख सकते हो, उसी के बगल में दिया गया है। दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। शिक्षक कला के 2 पद पर भर्ती किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होना चाहिए। इसी के साथ बीएड प्रशिक्षित अनिवार्य होना चाहिए। प्रतिमा वेतन दिया जाएगा 35,400 रुपये। सहायक शिक्षक अंग्रेजी के 1 पद पर भर्ती किया जाएगा। प्रतिमा वेतन दिया जाएगा 25,300 रुपये। शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए 12वीं पास, इसी के साथ डीएड या फिर डीएलएड परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी भी उत्तीर्ण होना चाहिए। और दोस्तों, आप लोग यहां चयन प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश एवं शर्तें पढ़ सकते हो, यहाँ पर पूरी विस्तार से दिया गया है। आप लोगों को इसे अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद ही आप लोग आवेदन करें। आप लोग यहां देख सकते हो, पूरी डिटेल से यहां पर बताया गया। और दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी यह है, जो छत्तीसगढ़ के 28 जिले के इच्छुक आवेदक अगर इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। केवल स्थानीय निवासी जो छत्तीसगढ़ में रहने वाले हैं वही आवेदन कर सकते हैं इन विभिन्न पदों के लिए, और न्यूनतम आयु होना चाहिए 21 वर्ष। तो दोस्तों, मैंने जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट था जो आप लोगों को जानना था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर आप लोगों को इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन का लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां पर जाके डाउनलोड करके और अच्छे से पढ़ सकते हो। और इस विज्ञापन से संबंधित अगर आप लोगों के पास कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि हम आप लोगों के सवालों का जवाब दे सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।